वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपसे बहुत ही एक डिफरेंट वाला वीडियो शेयर करने वाली हूँ एंड अगर आप मेकअप लवर है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। मैं आज दो प्राइमर, एक है लॉरियल बेस मजी ट्रांसफॉर्मिंग सूदिंग प्राइमर के साथ इनसाइड 3-in-1 प्राइमर को कंपेयर करके आपको शेयर करूंगी। और इसका जो कॉस्ट डिफरेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में कंपेयर हो सकता है तो लेट मी टेल यू बहुत अच्छे से हो सकता है। और जानने के लिए चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले चलिए देख लेते हैं बहुत ही ब्रीफली प्राइमर एक्चुअली क्या चीज है। प्राइमर फर्स्ट स्टेप है मेकअप का, जो हम मॉइस्चराइजर के बाद और फाउंडेशन या कंसीलर लगाने से पहले यूज करते हैं। ये हमारे स्किन के लिए क्या करता है, ये हमारे स्किन और मेकअप के अंदर एक बैरियर क्रिएट करता है और इससे हमारा मेकअप ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। तो अगर आपका स्किन ऑयली है और स्किन मेकअप करने के बाद ऑयली ऑयली दिखाई देता है, प्राइमर यूज करने से ये हेल्प करेगा आपका मेकअप जो है वो ऑयली ना हो, लॉन्ग टर्म तक आपको मैट और ऑयल फ्री दिखाने में हेल्प करेगा। अगर आपका स्किन ड्राई है तो ये मेकअप को पैची होने से भी रोकेगा। अगर आप मेकअप करने के बाद बहुत स्वेट करते हो तो प्राइमर आपका स्वेट कंट्रोल करेगा और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। ऑलमोस्ट सभी फाउंडेशन स्किन का जो सीबम या ऑयल रहता है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइजेशन करता है या डार्क कलर का हो जाता है। तो अगर हम प्राइमर के यूज करते हैं तो ये जो ऑक्सीडाइजेशन है वो भी हम रोक सकते हैं। कुछ कुछ प्राइमर है जो हमारे स्किन को ब्राइटर बनाता है, इवन टोन बनाता है, इनफैक्ट हमारा पोर्स और रिंकल्स को भी इरेज करने में हेल्प करता है। तो चलिए अभी प्रोडक्ट वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगी इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर, ये प्राइम करता है, प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। ये ऑयल फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है और बोला गया है ये प्रोडक्ट हमारे स्किन को स्मूथ कर देता है, ये स्कार और पोर्स को फील करता है, रिंकल्स है, फाइन लाइंस है उसको भी रिड्यूस करता है, स्किन को फ्लॉलेस बनाता है और इससे हमारा जो फाउंडेशन है या मेकअप है बहुत ही अच्छे से उभर के आता है। स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ स्किन के रेजिम को फॉलो करने के बाद ही ये स्टेप जो है वो मैं स्टार्ट करूँ। और ये मेकअप को लॉक कर देता है स्किन के अंदर, इससे हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब ये हमारे पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है और इससे कोई भी ब्रेकआउट होने का चांसेस नहीं है। इनसाइड का जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, कोई भी सेंट या ऑर्डर से फ्री है, 100% वेगन है और एनिमल टेस्टेड नहीं है। नाइका में इनसाइड का जो प्राइमर है उसका रेटिंग 4.2 है आउट ऑफ 5 और इस पे हमें मिलता है 30 ml प्रोडक्ट और कॉस्ट है 240 rupees। नेक्स्ट चलिए गाइस लॉरियल का जो बेस मजीक, ये तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा एक प्राइमर है, तो इसके बारे में डिटेल्स जो है वो देख लेते हैं। ये पोर्स को इंस्टेंटली स्मूथ करता है, स्किन को एक इवन सरफेस क्रिएट करता है और इससे हमारा मेकअप जो है बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन करता है और फ्लॉलेस लुक देता है और ये फाइन लाइंस को भी मिनिमाइज करता है। और गाइस लॉरियल का 15 ml प्रोडक्ट का कॉस्ट है 970 rupees। इनसाइड का प्राइमर सिलिकॉन बेस है और सिलिकॉन हमारे स्किन को बहुत ही सिल्की स्मूथ बना देता है, पोर्स को, फाइन लाइंस को कवर अप कर देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। लॉरियल का प्राइमर इलास्टोमर से बना हुआ है, ये हमारे स्किन को इवन सरफेस बना देता है और पोर्स को मिनिमाइज करता है, हालांकि सिलिकॉन और इलास्टोमर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। लॉरियल का प्राइमर सॉफ्ट पाउडर से कंटेन करता है और ये कोई भी ग्रीजीनेस है, शाइन है उसको बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है और लॉरियल ने गारंटी दिया है ये लॉन्ग लास्टिंग और परफेक्ट मेकअप लुक पाने में हेल्प करता है। तो गाइज अभी चलिए मेन कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो इनसाइड का जो प्राइमर है ये ट्यूब फॉर्मेट पे आता है, प्लास्टिक ट्यूब, और ये बहुत ही इजी टू कैरी है और इसका जो नोजल है वो भी काफी स्मॉल है, तो बहुत ही आसानी से आप जो प्रोडक्ट है उसको निकाल सकते हैं। वेरस लॉरियल का जो प्रोडक्ट है वो ग्लास जार पे आता है, इजी टू कैरी है बट क्योंकि ये ग्लास है तो टूट जाने का चांसेस भी रह जाता है, तो इसको निकालने के लिए हमें अपने फिंगर्स को इसमें डिप करके निकालना है, जो मुझे खासी पसंद नहीं है। प्राइस का तो डिफरेंस गाइस बहुत ही है, ये
30 ml का कॉस्ट है 240 rupees, लॉरियल का 15 ml का कॉस्ट आता है 970 rupees, मतलब ऑलमोस्ट 1000 rupees। तो प्रोडक्ट जो है इनसाइड पे जितना हमें मिलता है लॉरियल पे हाफ मिलता है, बट जो प्राइस है वो इनसाइड से ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा है। नाउ गाइस अभी देखते हैं इसका जो टेक्सचर है, तो आप देख सकते हो इनसाइड का जो टेक्सचर है वो एकदम क्लियर आता है, बट जो लॉरियल है वो थोड़ा सा पिंकी कलर का आता है और ये पाउडरी बेस दिखाई देता है। इसको अप्लाई करने के टाइम पे ये सॉफ्ट है, लाइक अ जेल जैसा लगता है, बट ये जो है वो काफी ज्यादा गाढ़ा है और बहुत ही जल्दी ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, आप देख सकते हैं। और इनसाइड वाला जो है वो काफी लाइट है और ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में ऐसा ज्यादा टाइम लेता है, बट इनसाइड का जो प्राइमर है बहुत ही ज्यादा लाइट है देन जो लॉरियल का प्राइमर है। तो चलिए अभी मैं इसको फेस पे अप्लाई करूंगी। मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लॉरियल वाला यूज करूंगी और मेरे राइट हैंड साइड पे मैं ये इनसाइड वाला यूज करूंगी। मैंने ऑलरेडी अपने स्किन को प्रेप कर लिया है, प्रेप करना मतलब क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये जो मॉइस्चराइजर है वो मेरे स्किन पे अभी एकदम सेट हो गया है। तो अभी मेरा स्किन जो है प्राइमर यूज करने के लिए परफेक्ट है। तो मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट ये इनसाइड का प्राइमर से। प्राइमर को मैं ऑलवेज हाथ से अप्लाई करना पसंद करती हूँ और इसको थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद अप्लाई करने से मेकअप जो है बहुत ही अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब होता है, मुझे ये फील होता है। और प्रोडक्ट भी मैं बहुत ही कम यूज करने वाली हूँ क्योंकि मेरा हाफ फेस पे मैं इसको अप्लाई करूंगी। प्राइमर बोला जाता है ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो वो मेकअप को स्लाइड डाउन भी कर सकता है, तो बहुत ही कम प्रोडक्ट हमें यूज करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ और अपने फेस के ऊपर इनसाइड पोर्शन से स्टार्ट करूंगी और आउटर पोर्शन में धीरे धीरे मूव करूंगी। नोज एरिया, अंडर आई, अपर आई, सभी एरिया पे अच्छे से कवर करना है ताकि जो पोर्स है, फाइन लाइंस है, वो मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस है तो बहुत ही सिल्की स्मूथ लगता है स्किन के ऊपर और स्किन भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाता है। अभी स्किन के ऊपर 100% एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इसका एब्जॉर्ब होने में 20-30 सेकंड लग जाता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे लॉरियल वाला यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ही लेना है और सेम प्रोसेस मैं फॉलो करना पसंद करती हूँ। वार्म अप करने के बाद लॉरियल वाला जो प्रोडक्ट है वो इंस्टेंटली एक्चुअली स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, बिकॉज ये काफी थिक है, पाउडरी है, तो ये टाइम एकदम ही नहीं लेता है सेट होने में। प्रोडक्ट जो है लगवाना कंप्लीट किया है और जैसा फील होता है, ये जो लॉरियल वाला साइट है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गया है, फील हो रहा है, और जो इनसाइड वाला फेस है वो भी सिल्की स्मूथ हो गया है, बट टच करने से मेरा लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा स्मूथ फील होता है। बट ऑन कैमरा अगर हम देखते हैं तो दोनों ही स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप किया है और जो पोर्स वगैरह है वो भी काफी मिनिमाइज हो गया है। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट देना है, उसके बाद ही हम फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन लगाने के बाद ही हम कंक्लूड कर सकते कि दोनों में कितना सिमिलरिटीज है। तो गाइस ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है और अगर मैं इसको टच करती हूँ तो मेरा लॉरियल वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा स्मूथ अभी भी फील हो रहा है। तो मैं आज लॉरियल इन्फेलिबल 24 आवर फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ, ये मुझे सबसे बेस्ट फाउंडेशन लगता है। तो मैं थोड़ा सा अमाउंट मेरे हैंड के बैक पे ले रही हूँ और स्टिपलिंग ब्रश से मैं ये फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ये है PSC का 304 स्टिपलिंग ब्रश। फाउंडेशन लगाना कंप्लीट हो गया है, लिटरली अगर मैं फेस को आईने में भी देखती हूँ तो भी डिफरेंस जो है ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है और आई एम श्योर आपको भी डिफरेंस ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा।
तो जो लॉरियल वाला साइट है वो ज्यादा स्मूथ फील होता है, बट दिखने में दोनों ही बहुत ही क्लोज इनफ है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हालांकि हाँ, मैं बोलना चाहूंगी लॉरियल वाला ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है देन जो इनसाइड वाला है, बट इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट? तो इसीलिए अगर आप अफोर्डेबल प्राइमर ढूंढ रहे तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। फिनिश के हिसाब से यह लॉरियल के बहुत नजदीक है। स्टेइंग पावर के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी, अगर कोई भी फाउंडेशन आपके ऊपर 3 आवर्स स्टे करे, तो अगर आप इनसाइड का प्राइमर यूज करते हो तो एटलीस्ट 2 आवर्स का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, मतलब ये 5 आवर्स तक आपको चल जाएगा। लेकिन अगर आप लॉरियल का प्राइमर यूज करते हो तो ये ऑलमोस्ट डबल अप कर देगा, 6 आवर्स तक आपका मेकअप जो है वो चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कम्प्लीटली स्किन टाइप के ऊपर और कौन सा फाउंडेशन आप यूज करते हो उसके ऊपर और उसके रेस्पेक्ट पे ये जो प्राइमर है वो कितना टाइम चलेगा। आई होप आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, नॉट ओनली कि शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है या मैरिज पार्टी है तभी यूज करना है, हेवी मेकअप है तभी यूज करना है, बट नहीं, अगर आप प्राइमर को मेकअप, फाउंडेशन या कोई भी सीसी या बीबी क्रीम के नीचे अप्लाई करते हो तो 2 फायदे आपको होगा। फर्स्ट है, जो मेकअप आप कर रहे हो फाउंडेशन या बीबी सीसी क्रीम से वो लॉन्ग स्टेइंग हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से अगर आपको एलर्जिक है या आपको ब्रेकआउट्स हो जाता है मेकअप करने के बाद तो ये भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, नॉट ओनली कैमरा पे आपका फोटो अच्छा होगा, एकदम स्मूथ आएगा, बट जो भी आपको सामने से देखेगा या आप मिरर पे अगर आपका फेस मेकअप करने के बाद देखते हो तो वो भी बहुत स्मूथ नजर आएगा। लेट मी टेल यू, ऑन कैमरा में बहुत सारा मेकअप दिखने में अच्छा लगता है, बट ऑफ कैमरा अगर कोई सामने से आपको देख ले या आप मिरर पे देखो, कभी कभी मेकअप या मेकअप का बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा पैची नजर आता है। तो इस मामले में अगर आप प्राइमर का यूज करते हो तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपको होगा और आपको बहुत लंबे टाइम तक मैट, ऑयल फ्री, स्वेट फ्री मेकअप भी मिल सकता है। एंड फाइनली गाइस, मेकअप ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, डार्क नहीं होगा, वो वेदर के कारण से हो या आपके स्किन के ऑयल के कारण से हो। तो इसीलिए मैं आज ये बहुत ही अफोर्डेबल जो प्राइमर है, मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ जो बेस्ट प्राइमर है लॉरियल का उसको कंपेयर करके आपको शेयर करती हूँ, तो आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।